So we were considering different ways for expressing concentration of the solution. But definitely the mass percentage, हर एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज, हर एक कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज जनरली सॉल्यूट का, अगर सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर पार्ट्स पर मिलियन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने लिया था मोल फ्रैक्शन, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रहेगा और सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन की टोटल वन रहेगी। उसके बाद में अपन ने लिया था मोलैलिटी, स्मॉल एल डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एल, ये मोलैलिटी पूरे सॉल्यूशन की रहती, इसके डेफिनेशन, इसके लिए फॉर्मूला वगैरह अपन ने लिया था। और उसके बाद में अपन ने लिया था मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एम। मोलैरिटी पूरे सॉल्यूशन की रहेगी, कंपोनेंट की नहीं रहेगी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर या वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अपने को यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेने का है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वन लीटर या वन डेसीमीटर क्यूब एक ही है, क्योंकि वन लीटर इक्वल टू वन डेसीमीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन अपने को प्रिपेयर करने का है, उसका वॉल्यूम अपने को लेने का है वन लीटर या वन डेसीमीटर क्यूब। और वन लीटर या वन डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स यानी पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अगर एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एक मोल है तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी वन रहेंगी। एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 0.1 मोल है तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 रहेंगी। एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 0.01 मोल्स प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.01 रहेगी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर और वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैरिटी का यूनिट है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वन लीटर, वन का मतलब पर। तो मोलैरिटी का यूनिट ऐसे लिखना मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यह होगा मोलैरिटी का यूनिट। और मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को वन लीटर चाहिए या वन डेसीमीटर क्यूब चाहिए, और इसमें सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेंगे वह नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी। लेकिन हर बार ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि सॉल्यूशन एक लीटर ही तैयार करना, एक लीटर से कम सॉल्यूशन भी अपन तैयार कर सकते हैं, एक लीटर से अपन ज़्यादा भी सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को लीटर या डेसीमीटर क्यूब में लगेगा। और उतने सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो अपने को मालूम रहेगा, और उसके बाद में मोलैरिटी का ये फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का ये डेफिनेशन है, और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। अब सॉल्यूशन एक लीटर ही तैयार करना चाहिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, 0.5 लीटर भी अपन तैयार कर सकते हैं, 2 लीटर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जितना भी अपन तैयार करेंगे उसका वॉल्यूम अपने को लीटर या डेसीमीटर क्यूब में ही लेना पड़ेगा।
और इतने सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है अपन ने डिजॉल्व किए हैं वो अपने को मालूम रहेगा, और फिर इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना, ये रेशियो यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड है। ये टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर आने की वजह से वी कैन से दैट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब सॉल्यूशन की मोलैरिटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड रहेगी? मान लो अपन ने एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और उस सॉल्यूशन को अगर अपन ने हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो उस सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, न्यूमरेटर उतने रहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से रेशियो की वैल्यू यानी मोलैरिटी की वैल्यू डिक्रीज होते जाएंगे। सो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना कि ये जो मोलैरिटी है इसको यूनिट है, इसका यूनिट है मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये क्वांटिटी टेम्परेचर इस प्रकार से डिपेंडेंट रहती है, अगर अपन ने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम होती जाएंगी, जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम कम होती जाएगी। अब अपने को एक फॉर्मूला देगा, फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन, यानी एक पर्टिकुलर मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन अगर अपन ने डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब उसमें अपन ने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, यानी मतलब उसमें अपन ने वाटर ऐड कर दिया, तो डाइल्यूशन के बाद में उसकी मोलैरिटी कितनी रहेगी ये कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला आपको ध्यान में रखने का है, एंड दैट इज नोन एज फार्मूला फॉर डाइल्यूशन। अब मान लो एक सॉल्यूशन अपन ने लिया हुआ है बीकर में, और ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी सपोज 0.1 है, और एक पॉइंट ध्यान में रखना कि मोलैरिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स में होगा, मोलैरिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब सॉल्यूशन अपन ने कितना भी लिया तो भी उसकी मोलैरिटी जितनी है उतनी रहेगी। ये जो सॉल्यूशन है इसमें का थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग से अगर अपन ने लिया तो उसकी भी मोलैरिटी 0.1 ही रहेगी। ये सॉल्यूशन मान लो अपन ने 100 ml लिया, इसमें का 10 ml सॉल्यूशन अपन ने मान लो अलग लिया, निकाल लिया, तो वो जो 10 ml सॉल्यूशन है उसकी भी मोलैरिटी 0.1 ही रहेंगी, 100 ml सॉल्यूशन की भी मोलैरिटी 0.1 ही रहेंगी। एक ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन ने कितना भी लिया तो भी उसकी मोलैरिटी जितनी है उतनी रहेंगी, यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी, सॉल्यूशन अपन कितना ले रहे हैं, सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी ले रहे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले रहे, उस पर सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिपेंड ले रही थी। एक बार सॉल्यूशन बन गया कि उसकी मोलैरिटी जितनी है उतनी ही रहेंगी, वो सॉल्यूशन फिर अपन ने 100 ml लिया क्या या 200 ml लिया। अब मान लो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी 0.1 है, और इसका वॉल्यूम अपन ने लिया है 100 ml। अब ये जो 100 ml सॉल्यूशन है इसमें मान लो अपन ने 100 ml वाटर ऐड कर दिया, यानी सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो ये पूरा इसमें मिक्सअप हो जाएगा, और मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml। ओरिजिनल वॉल्यूम मिक्सचर का 100 ml था, मोलैरिटी 0.1 थी,
और 100 ml वाटर ऐड करने के बाद में सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 200 ml। अब ये जो 100 ml सॉल्यूशन है इसमें अपन ने कितना भी वाटर कितना भी सॉल्वेंट ऐड किया तो भी इसमें से जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जितने भी है उतने है। वो नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं उतने रहेंगे। वाटर ऐड करने से सॉल्यूशन में के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज भी नहीं होंगे डिक्रीज भी नहीं होंगे। सॉल्यूशन में के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उतने रहेंगे लेकिन डाइल्यूशन के बाद में वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन को अपन ने डाइल्यूट कर दिया वाटर ऐड करके सॉल्वेंट ऐड कर दिए करके तो उसमें के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उतने रहेंगे लेकिन वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मोलरिटी सॉल्यूशन के कम कम होते जाएंगे। अगर अपन ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल कर दिया वाटर ऐड करके तो सॉल्यूशन की मोलरिटी पहले जितनी थी उसके आधी हो जाएगी क्योंकि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद में सॉल्यूशन में वाटर ऐड करने के बाद में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उतने रहते लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ते जाता और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मोलरिटी कम कम होते जाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। Therefore we can say that molarity of the solution is inversely proportional to volume या dilution। अगर अपन ने सोल्यूशन का वॉल्यूम डबल कर दिया उसको टू टाइम डायल्यूट कर दिया तो उसकी मोलरिटी इनिशियल के 1/2 हो जाएगी। वॉल्यूम अगर अपन ने 3 times बढ़ा दिया डायल्यूशन 3 times कर दिया तो मोलरिटी जितनी है पहले की उसके 1/3 हो जाएगी। और इसी को एक फार्मूला के फॉर्म में दिया है दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। और वो फॉर्मूला ऐसा है m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 यानी सॉल्यूशन की इनिशियल मोलरिटी, v1 यानी सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम, v2 यानी सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन और m2 यानी सॉल्यूशन की फाइनल मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। अगर अपन ने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो उसके उसमें के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो उतने रहेंगे लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम बढ़ेगा जिसकी वजह से इस रेशियो की वैल्यू यानी मोलरिटी की वैल्यू कम कम होती रहेगी। तो m2 यानी सॉल्यूशन की मोलरिटी जो पहले से कम रहेगी आफ्टर डाइल्यूशन। जैसे इस केस में सॉल्यूशन की इनिशियल मोलरिटी है 0.1, सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम है 100 ml, डाइल्यूशन के बाद में वाटर ऐड करने के बाद में की मोलरिटी अपने को कैलकुलेट करने के लिए m2 और डाइल्यूशन के बाद में सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 200 डबल हो गया। तो ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी इसके आधी आएंगे क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर डबल होगा। कैलकुलेशन करने के बाद में भी उतने आएंगे 200 नीचे ले लेना 0.1 × 100/200 दैट इज इक्वल टू m2। m2 यानी सॉल्यूशन की फाइनल मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन 100/200 यानी 1/2। तो 0.1 को 2 से डिवाइड करना, 0.1 को अगर अपन ने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.05। तो ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी 0.05 रहेगी। तो ध्यान में रखना कि कोई भी सॉल्यूशन को अगर अपन ने डाइल्यूट कर दिया उसमें अगर अपन ने सॉल्वेंट ऐड किया उसमें मान लो अपन ने अगर वाटर ऐड कर दिया उसका वॉल्यूम बढ़ाया तो सॉल्यूशन में के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे लेकिन डाइल्यूशन के बाद में वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से सॉल्यूशन की मोलरिटी कम हो जाएगी होते जाएंगी। एंड डाइल्यूशन के केस में मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी मोलरिटी कम होगी। यहाँ पर भी का मतलब वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, यहाँ पर अपन ने डाइल्यूशन के बाद में का वॉल्यूम इनिशियल के डबल कर दिया था तो मोलरिटी इनिशियल के हाफ हो गई थी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का है डाइल्यूशन के बाद में सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी रहेगी ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है m1v1 = m2v2। और एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का,
मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मान लो ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम अपन कितना भी दे सकते हैं, इसका वॉल्यूम मान लो v1 है। ये दूसरा सॉल्यूशन है और ये जो दूसरा सॉल्यूशन है ये इसी सॉल्यूट का भी हो सकता है या डिफरेंट सॉल्यूट का भी हो सकता है, लेकिन इसकी मोलैरिटी इससे डिफरेंट चाहिए। इसकी मोलैरिटी मान लो m2 है और इन दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम रहा तो भी चलता है, डिफरेंट लिया तो भी चलता है। कंडीशन एक ही है कि इन दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिफरेंट चाहिए। एक की मोलैरिटी m1, दूसरे की मोलैरिटी m2। एक का वॉल्यूम मान लो v1, दूसरे का वॉल्यूम v1 भी ले सकते हैं या इससे डिफरेंट भी ले सकते हैं। दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लो v2 है। ये एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ये उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ये दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और ये दोनों सॉल्यूशन एक सॉल्यूट के लिए तो भी चलता है, डिफरेंट सॉल्यूट के लिए तो भी चलेगा। अब ये दोनों सॉल्यूशंस मान लो अपन ने एक दूसरे में मिक्सअप कर दिए, बड़े बीकर में, एक बड़े बीकर में ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप कर दिया। तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। और ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर की मोलैरिटी एम वन भी नहीं रहेंगी या एम टू भी नहीं रहेंगी, इन दोनों के बीच में की वैल्यू रहेगी इस मिक्सचर के मोलैरिटी की। और इस मिक्सचर की मोलैरिटी कितनी रहेगी ये कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अपने को लेने का। और एक कंडीशन है कि जब ये दो सॉल्यूशंस अपन एक दूसरे में मिक्सअप करेंगे तब इनके बीच में किसी प्रकार के रिएक्शन नहीं होने चाहिए। इन दोनों सॉल्यूशन में के सॉल्यूट सेम रहे तो भी चलता है, डिफरेंट रहे तो भी चलता है, लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इन दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटीज डिफरेंट रहनी चाहिए। तो फिर अपने को यह फॉर्मूला यूज करने का काम पड़ेगा। वॉल्यूम अपन सेम भी ले सकते, वॉल्यूम डिफरेंट भी ले सकते, मोलैरिटीज डिफरेंट चाहिए। सॉल्यूट सेम रहे तो भी चलता, सॉल्यूट डिफरेंट रहे तो भी चलेंगे। मान लो ये सॉल्यूशन ग्लूकोज का है, ये सॉल्यूशन फ्रुक्टोज का है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन और फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन अगर अपने एक दूसरे में मिक्सअप किया तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिक्स के बीच में किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। अपने को जो मिक्सचर मिलेगा उसका वॉल्यूम रहेगा वी वन प्लस वी टू, और उस मिक्सचर में ग्लूकोज भी रहेगा, ग्लूकोज के भी मोल्स रहेंगे, फ्रुक्टोज के भी कुछ मोल्स रहेंगे। और इस मिक्सचर की मोलैरिटी एम वन भी नहीं रहेंगे, एम टू भी नहीं रहेंगे, इन दोनों के बीच में रहेंगे। या दोनों सॉल्यूशन अपन ग्लूकोज के भी ले सकते हैं, ग्लूकोज के दो सॉल्यूशन के बीच में भी किसी प्रकार के रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो दो सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट के भी ले सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूट के भी ले सकते हैं। उनके वॉल्यूम अपन सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशन एक ही है कि इन दो सॉल्यूशन की मोलैरिटीज डिफरेंट चाहिए और उनके बीच में किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होने चाहिए। अब इन दोनों को अगर अपन ने मिक्सअप किया तो जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर की मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए यह फॉर्मूला मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। मान लो एक सॉल्यूशन ग्लूकोज का है, दूसरा सॉल्यूशन फ्रुक्टोज का है, और ये जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम, इसकी मोलैरिटी मान लो 0.1 है, फ्रुक्टोज के सॉल्यूशन की मोलैरिटी मान लो 0.2 है। इसका वॉल्यूम मान लो अपन ने 100 ml लिया है और इसका भी वॉल्यूम मान लो अपन ने 100 ml लिया। वॉल्यूम सेम भी लिया तो भी चलता है, डिफरेंट लिया तो भी चलता है, मोलैरिटी डिफरेंट चाहिए। 0.1 मोलर 100 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 0.2 मोलर
100 ml fructose solution. तो ये जो मिक्सचर बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें ग्लूकोज भी रहेगा, फ्रुक्टोज भी रहेगा. इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी रहेगी वो अपन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला. मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू m1v1 + m2v2 / v1 + v2. m1 0.1 × v1 = 100 + m2 0.2 × 100 / v1 + v2 = 100 + 100 = 200. 0.1 × 100 = 10. 0.2 × 100 = 20. अपॉन टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा 200. दोनों के टोटल 30 अपॉन 200. 10 कैंसिल, 3/20. अब ये जो रेशियो है, ये रेशियो अपन कैलकुलेट करेंगे. 3 को 20 से डिवाइड करना, पहले 0 आएगा, बाद में 30 हो जाएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 10, ऊपर से 0 लिया 100 आ जाएंगे. 20 / 25 / 100 तो आंसर आएगा 0.15. ये होंगी इस मिक्सचर की मोलैरिटी. मोलैरिटी ऑफ दिस मिक्सचर और सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विल बी 0.15. ये 0.1 भी नहीं है, 0.2 भी नहीं है, इन दोनों के बीच में. अब दूसरी गैस अपन लेंगे. अब मान लो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है, इसकी भी मोलैरिटी 0.1 है, दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम है मान लो, लेकिन इसका मान लो अपन ने 100 ml वॉल्यूम 100 ml लिया, इसका वॉल्यूम मान लो अपन ने 200 ml लिया. अब यहाँ पर इन दो सॉल्यूशंस की मोलैरिटी सेम है, वॉल्यूम्स डिफरेंट है, तो मिक्सचर की मोलैरिटी कितनी आएगी? यह अगर अपन ने इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट किया तो वो 0.1 ही आएंगी. यहाँ पर इस फॉर्मूला का कुछ काम नहीं है, क्योंकि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है, इस सॉल्यूशन की भी मोलैरिटी 0.1 है. इन दोनों के कितने भी वॉल्यूम्स अपन ने एक दूसरे में मिक्सअप किए तो अभी मिक्सचर की मोलैरिटी 0.1 ही आने वाली है. ये फॉर्मूला यूज करने के बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा. 0.1 × 100 = 10 + 0.1 × 200 = 20 अपॉन इसका वॉल्यूम 100 ml, इसका वॉल्यूम 200 ml, टोटल वॉल्यूम 300 ml, तो यानी 30/300 यानी 3/30 यानी 1/10 यानी 0.1. इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है, दोनों की मोलैरिटी सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट है, मोलैरिटी सेम है, तो मिक्सचर की मोलैरिटी भी इतनी ही आएगी. तो यहाँ पर यह फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं. अगर दो सॉल्यूशंस की मोलैरिटी सेम है तो मिक्सचर की मोलैरिटी जितनी है उतनी आएंगी, उसके लिए यह फॉर्मूला यूज करने का कुछ काम नहीं है. यह फॉर्मूला आपको तभी यूज करना पड़ेगा जब दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटीज डिफरेंट रहेंगी. सॉल्यूट सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं, वॉल्यूम्स सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं. कंडीशन एक ही है कि मोलैरिटीज सॉल्यूशन की डिफरेंट चाहिए और उनके बीच में किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. तो जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सर की मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए यह फार्मूला है m1v1 + m2v2 / v1 + v2. अब मान लो अपन ने तीन सॉल्यूशन मिक्स रखती है, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, तीसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी m3 है, वॉल्यूम v3 है, और इन तीनों सॉल्यूशंस को अगर अपन ने एक दूसरे में मिक्सअप किया तो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम बनेगा v1 + v2 + v3. और वो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की
मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपन यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री, तीन है ये, अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ऐसे कितने भी सॉल्यूशंस अपन एक दूसरे में मिक्सअप कर सकते हैं और जो मिक्सचर बनेगा उसकी मोलैरिटी अपन इस टाइप का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो चार सॉल्यूशंस अपन ने मिक्सअप किए, चौथे सॉल्यूशन की मोलैरिटी एम फोर है, वॉल्यूम वी फोर है, तो यहाँ पर एम फोर वी फोर ऐड कर देना और नीचे वी फोर ऐड कर देना। तो इन जनरल फार्मूला अपन ऐसा लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस एम फोर वी फोर एंड सो ऑन अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर एंड सो ऑन। दिस इज द फार्मूला यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू आर मोर डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट मोलैरिटीज एंड दोज डिफरेंट सॉल्यूशंस मे बी ऑफ सेम सॉल्यूट मे बी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स देयर वॉल्यूम्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट बट नो रिएक्शन शुड टेक प्लेस बिटवीन देयर सॉल्यूशंस। ये हो गया मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। अब इसके बाद में अपने को जो क्वांटिटी देने की है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन। अब ये जो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट है ये सिलेबस में से निकाल दिया है लेकिन नॉर्मेलिटी का आगे कभी ना कभी रेफरेंस आने वाला है इसलिए अपन ये भी टर्म ले लेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की डेफिनेशन। नॉर्मेलिटी पूरे सॉल्यूशन की रहेंगे, सॉल्यूट की सॉल्वेंट की कंपोनेंट की नहीं रहेंगे। और जिस प्रकार की डेफिनेशन मोलैरिटी की है उसी प्रकार की डेफिनेशन नॉर्मेलिटी की है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और एक बात पता नहीं करेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए अपन ने दो फार्मूले पहले ली है। पहला फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल, और दूसरा फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इन किलोग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन किलोग्राम पर मोल। वो दो फार्मूले यूज करते, कोई भी एक फार्मूला यूज करके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना और उसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से इन लीटर से डिवाइड करना तो अपने को मिलेगी उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अब इसके बाद में अपने को लेने का है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी के आगे अपन डेफिनेशन ले लेंगे, बाकी का पार्ट आगे लेंगे अगले वीडियो में। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, वहाँ पर मोल्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी क्या ये आपको समझाना पड़ेगा पहले, तो नॉर्मेलिटी समझ में आएंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर या वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे मोलैरिटी का यूनिट है मोल पर लीटर, वैसे यहां पर नॉर्मेलिटी का यूनिट रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नॉर्मेलिटी का यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट्स पर डेसीमीटर क्यूब। जैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब, उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस टाइप करेंगे।
बाद में देखिए आप सॉल्यूशन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, इसलिए नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। और जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें के सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्वांटिटी उतनी रहेंगी, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी डिक्रीज होते जाएंगे वहाँ उसके जैसे। यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हो गया नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है, ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये नॉर्मेलिटी का यूनिट, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसमें ये आपको समझाना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स है क्या है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला हमने लिया है, उसी प्रकार का फॉर्मूला सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए अपने को लेने का। और उसमें और एक टर्म आने वाली है, दैट इज इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास है क्या वो भी आपको समझाना पड़ेगा, ये इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो ये अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।